प्रभु यीशु के साथ उसकी मुलाकात हमें विनम्रता, विश्वास और दृढ़ता के साथ उसके पास आने का महत्व सिखाती है। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, संत मत्ती अध्याय 9 पद संख्या 18 से 26 का सुसमाचार का अंश हमें प्रभु यीशु द्वारा किए गए दो चमत्कारी चंगाइयों के बारे में बताता है। सबसे पहले हम सिनेगॉग के एक अधिकारी से मिलते हैं जो बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास आता है और उससे विनती करता है कि वह आकर उसकी बेटी पर हाथ रखे जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है। प्रभु यीशु उसके विश्वास और हताशा से प्रेरित होकर उसके साथ उसके घर गए जहां उसने युवा लड़के को वापस जीवित कर दिया। दूसरा, हमारा सामना एक महिला से होता है जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वह भीड़ में प्रभु यीशु के पास आती है यह विश्वास करते हुए कि यदि वह उसके वस्त्र के किनारे को छू सकती है तो वह ठीक हो जाएगी। उसके विश्वास को पुरस्कृत किया गया और वह तुरंत ठीक हो गई। ये दो कहानियां हमें अपने जीवन में विश्वास की शक्ति और ईश्वर की परिवर्तनकारी कृपा पर विचार करने के लिए आमंत्रित करती हैं। सिनेगॉग के अधिकारी और रक्तस्राव से पीड़ित महिला दोनों प्रभु येसु पर अटूट विश्वास प्रदर्शित करते हैं। वे उसके अधिकार को पहचानते हैं और विश्वास करते हैं कि वह चंगाई और पुनर्स्थापन ला सकता है। प्रभु येसु के साथ उसकी मुलाकात हमें विनम्रता, विश्वास और दृढ़ता के साथ उसके पास आने का महत्व सिखाती है, यहाँ तक कि प्रतीत होने वाली दुर्गम बाधाओं के सामने भी। अपने जीवन में हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है जो भारी लगती हैं। हम असहाय, निराश या खोया हुआ महसूस कर सकते हैं। हालांकि ये पाठ हमें याद दिलाते हैं कि प्रभु येसु हमेशा मौजूद है और हमारी सहायता के लिए आने को तैयार हैं। वह हमें विश्वास के साथ उसके पास पहुंचने, अपने जीवन और अपने संघर्षों को उसके प्रेमपूर्ण और सक्षम हाथों में सौंपने के लिए आमंत्रित करता है। हमें प्रार्थना में लगे रहने, ईमानदारी से उसकी तलाश करने और यह विश्वास करने के लिए बुलाया गया है कि उसका उपचारात्मक स्पर्श परिवर्तन और नवीनीकरण ला सकता है। इसके अलावा ये पाठ हमें अपने आसपास के लोगों तक प्रभु येसु के उपचारात्मक स्पर्श का विस्तार करने के लिए कहते हैं। जिस तरह प्रभु येसु ने मदद के लिए पुकार का जवाब दिया, उसी तरह हमें दुनिया में उसके प्यार और करुणा का साधन बनने के लिए बुलाया गया है। हमें जरूरत के समय दूसरों के सामने उपस्थित होने, आराम, समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए आमंत्रित किया गया है। अपने शब्दों और कार्यों के माध्यम से हम उन लोगों को आशा बहाल करने में मदद कर सकते हैं जिन्होंने इसे खो दिया है, और हम ईश्वर की कृपा के माध्यम बन सकते हैं, घायल दिलों और टूटे हुए जीवन को ठीक कर सकते हैं।